Hello students, today I am here to explaining you the chapter number 16, the sentence. So, sentence kya hota hai? Sentence ko kya bolte hai? Vakya. Look at the board. Read what Aman is saying. Padhiye ki Aman kya keh raha hai? My is Sameer friend best. My is Sameer friend best. Kuch samajh mein nahi aaya ki ye kya likha hai. Ye likha hai sentence. Lekin कुछ समझ में आया कि ये क्या लिखा है? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट अमन इज सेइंग, व्हाट अमन मींस? क्या आप समझ सकते हैं कि अमन क्या कहना चाह रहा है? नो, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अमन इज सेइंग. क्यों नहीं समझ सकते? बिकॉज द वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस. क्योंकि ये जो वर्ड है इनका कोई भी अर्थ, इनका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है. ग्रेट व्हाट अमन इज सेइंग नाउ. पढ़िए कि अमन अब क्या कह रहा है. अमन कह रहे हैं समीर इज माई बेस्ट फ्रेंड. समीर क्या है? मेरा प्रिय मित्र है. ठीक है, या बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त है. तो इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है. Can you understand now what he means? Yes, we can. हाँ, हम समझ सकते हैं. The words make complete sense now. क्योंकि जो words है ना, इनका proper meaning अब निकल के आ रहा है, इसलिए अब हम इसको समझ सकते हैं. They form a sentence. इन words के मतलब ये properly arrange है, तो इसका कोई मतलब निकल के आ रहा है. अब हम बात करेंगे सेंटेंस की. सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस, यानी वाक्य बोलते हैं. मीन्स कोई भी मतलब वर्ड्स का ग्रुप, उसका मीनिंग निकल के आना चाहिए. अगर वो मीनिंगलेस है तो उसको हम सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते. जैसे यहाँ पर क्या था, अमन, हमने पढ़ा कि अमन ने कहा माय इज समीर फ्रेंड बेस्ट. इसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आया, तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता. इसका मीनिंग है क्योंकि समीर इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका मीनिंग निकल के आ रहा है. किसी भी शब्दों को जोड़ के मतलब कैसे भी अरेंज करके हम उसको सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ना उससे हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. जबकि वर्ड्स को सही तरीके से मीन्स प्रॉपरली अरेंज किया होता है, तभी एक सेंटेंस फॉर्म होता है, अदरवाइज सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है. तो अभी हम समझेंगे सेंटेंस को. अब देखें ये क्या है सेंटेंस की डेफिनेशन. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ऐसे शब्द जिनका ऐसा, उन शब्दों का समूह जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसको सेंटेंस बोलते हैं. जैसे कि ये आप देखिए कि इसमें वर्ड्स है, ये सेंटेंस कैसे बना, शब्दों को जोड़कर. ठीक है, शब्दों को जोड़कर इसमें कितने शब्द आए? 1, 2, 3, 4, 5, पांच शब्दों को जोड़ के हमने एक सेंटेंस बनाया. और इसको हम कहीं भी अरेंज कर देते तो ये सेंटेंस नहीं हो जाता. जैसे कि अगर मैं इसको लिख देती, इस वाले को लिखती हॉट टुडे वेरी इज इट. शब्द तो यही है, लेकिन मैंने इनको आगे पीछे अरेंज कर दिया है, इनको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया, तो इसका कोई मीनिंग निकल के आएगा? हॉट टुडे वेरी इज इट नहीं मीनिंग निकल के आएगा, ये गलत हो जाएगा. तो वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करना ज़रूरी है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए. और कोई भी सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से. जैसे कि ये इट, इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? सेंटेंस के स्टार्टिंग वाला वर्ड कौन सा है? इट. और कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है? आई से. आई को मैंने क्या बना देना है? कैपिटल. अगर मैं यहाँ पर आई टी इट कर देती, इट इज़ वेरी, तो ये क्या हो जाता? गलत हो जाता. सेंटेंस को सही तरीके से फॉर्म करने के लिए हमें उसके स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट होता है, स्टार्टिंग वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल बनाना होता है, एंड लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना होता है. ये क्या है?
फुल स्टॉप। इस डॉट को हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी प्रॉपर नाउन हमने चैप्टर 3 कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स में पढ़ा था, मतलब प्रॉपर नाउन हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, तो प्रॉपर नाउन्स के जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ क्या, उनका जो मतलब जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी एनिमल, थिंग, पर्सन, प्लेस का नेम। जैसे कि यहाँ पे हाँ, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नेम, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे बीच में आए, चाहे वो लास्ट में आए, हमें उसको क्या करना है? हम उसको कैपिटल ही लिखेंगे, हम उसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। अगर हमने किसी भी प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर में लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रॉन्ग। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ, ऋतु इन द मार्केट। अब ऋतु जो है वो किसी पर्सन का नेम है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, सेंटेंस के बीच में आया पर मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिखा है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, किसी इंसान का नेम है। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।